हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग सीओपी यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉफिशिएंट ऑफ यानी सीओपी, कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर देखो, जैसे हमारा हीट इंजन में एफिशिएंसी होता है, उसी टाइप से हम लोग अपने रेफ्रिजरेटर में सीओपी से देखते हैं कि उसकी कितना एफिशिएंट है। जिस भी रेफ्रिजरेटर की सीओपी ज़्यादा होगी, वो रेफ्रिजरेटर हमारे लिए उतना ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो देखो, हमारे पास मान लो कि एक रेफ्रिजरेटर है, मान लीजिए ये रेफ्रिजरेटर है यहाँ पे, ये दिस इज योर रेफ्रिजरेटर आर, ये साइक्लिक रेफ्रिजरेटर है ऑब्वियसली। और हमारे पास एक सिंक है, सिंक मतलब कम टेम्परेचर पे है T2, और ये T1 है आपका सोर्स है। और ये आपने देखो, रेफ्रिजरेटर तो ऐसे काम करेगा नहीं, आपको कंप्रेसर लगाना पड़ेगा रेफ्रिजरेटर में। कंप्रेसर कब लगाने से पहले आपको क्या देना पड़ेगा, डब्ल्यू नेट देना पड़ेगा, मतलब कंप्रेसर उसको हीट नेट देगा। इस हीट नेट को लेने के बाद क्या करेगा, यहाँ से ये हीट लेगा, कम टेम्परेचर से हीट को लेगा और ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट को जाके दे देगा। कम टेम्परेचर से हीट को ले रहा है और ज़्यादा टेम्परेचर से पे जाके हीट को छोड़ दे रहा है, जाके छोड़ दे रहा है, समझ में आ रहा है। तो यही काम करता है रेफ्रिजरेटर, यही तो करता है कि जो जो ठंडा प्लेस है, जो रेफ्रिजरेटर का स्पेस है, उसी से हीट निकाल के बाहर छोड़ देता है, तब और जो ठंडा है वो और ज़्यादा ठंडा हो जाता है। यही काम है रेफ्रिजरेटर का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसकी सीओपी देखना चाहते हैं। देखो, सीओपी बेसिकली क्या है, एफिशिएंसी ही बताता है, बट यहाँ पे क्योंकि सीओपी की वैल्यू 1 से ज़्यादा आने वाली है जनरली, तो इस वजह से और हम लोग अभी बचपन से एफिशिएंसी पढ़ते आ रहे हैं, तो एफिशिएंसी को बोलते हैं कि 100% से ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं हो सकता, तो इस वजह से नाम थोड़ा चेंज कर दिया गया है, सीओपी बोल देते हैं। सीओपी का भी मतलब होता है आउटपुट अपॉन में इनपुट। देखो, तुम्हें आउटपुट क्या मिला, तुम्हारी क्या चाहत है बताओ, रेफ्रिजरेटर से तुम कराना क्या चाहते हो, तुम अपने स्पेस को ठंडा रखना चाहते हो, ये जो स्पेस है इसको ठंडा रखना चाहते हो, इस ठंडे रखने के क्रम में आपने इससे कुछ हीट निकाल लिया, तो आपने जो हीट निकाला वही आपका आउटपुट है ना रेफ्रिजरेटर में, कि ठंडे जगह से कितना हीट तुमने निकाल लिया। यही तो हमारी चाहत है रेफ्रिजरेटर को बनाने के टाइम पे। तो हमारा आउटपुट क्या हुआ बेटा, Q2 तुमने निकाला है, दिस इज योर आउटपुट, रेफ्रिजरेटेड स्पेस से ही हीट निकाला है, कितना हीट निकाला है Q2, तो यही आउटपुट है। इनपुट क्या दिया तुमने, इनपुट दिया डब्ल्यू नेट दिया तुमने इनपुट, सो दिस इज योर डब्ल्यू नेट, दिस इज योर डब्ल्यू नेट। नाउ अगर दिस इज योर सीओपी, यही आपका सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर है, जो आपने हीट निकाला है और जो अपना आपका जो ये डब्ल्यू नेट मिल गया, मतलब आपने दिया है, इसको दिया है, वही आपका सीओपी है, ये आपकी आउटपुट चाहत और ये आपने दिया उस चाहत को पाने के लिए, सो दैट इज योर सीओपी। नाउ देखो, हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं, तुमने इसको हीट दिया, तुमने इसको वर्क दिया, ये यहाँ से निकल रहा है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Q1 इक्वल्स टू Q2 प्लस डब्ल्यू नेट, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल सही बात है। नाउ यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो तुमने इनपुट दिया, ये डब्ल्यू नेट नहीं है, ये इनपुट है, डब्ल्यू इनपुट, सो तुम यहाँ से बोल सकते हो कि जो डब्ल्यू, दिस इज ऑल्सो इनपुट, सो डब्ल्यू इनपुट की वैल्यू क्या आएगी बेटा, डब्ल्यू इनपुट इक्वल्स टू Q1 माइनस में Q2, दैट इज योर Q1 माइनस Q2। नाउ इसको यहाँ पे पुट कर दो, इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या मिलेगा, सीओपी इक्वल्स टू Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। तो आप सीओपी का एक और फॉर्मूला हमारे पास मिल चुका है, दैट इज योर सीओपी इक्वल्स टू दिस मच, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। नाउ जरा देखो, यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हैं कि हमें एक चीज़ और पता था, हम ना क्या कर रहे हैं, सीओपी को, सीओपी हमारा क्या आ चुका है, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, सीओपी को ऊपर नीचे Q2 से डिवाइड कर दो, तो Q2 से ऊपर डिवाइड करोगे तो 1, यहाँ डिवाइड करोगे तो Q1 बाई Q2, और यहाँ डिवाइड करोगे तो 1। और हमें पता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होना है बेटा, Q1 बाई Q2 शुड बी इक्वल टू T1 बाई T2, अभी हमने देखा था रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सीओपी इक्वल टू 1 अपॉन T1 बाई T2 इक्वल माइनस 1। एलसीएम लेके ऊपर पहुँचा दोगे सबको तो मिल जाएगा तुम्हें, फाइनली जो तुम्हें मिलेगा सीओपी इक्वल टू T2 अपॉन में T1 माइनस T2। तो एक और ये भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे भी वही ध्यान रखने की बात क्या है बेटा, कि आपको
ये जो फार्मूला दोनों मिला है, ये फार्मूला में आप जो बने जो जैसे जैसा भी रेफ्रिजरेटर लगा सकते हो। ये फार्मूला सिर्फ रिवर्सिबल के लिए लगाना है, और जो टेम्परेचर डालना है, टेम्परेचर किस यूनिट में डालना है, केल्विन स्केल में होना चाहिए टेम्परेचर, तभी जाके तुम्हारा सोल्यूशन सही आएगा, अदरवाइज गलत आ जाएगा। सो दिस इज द सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। नाउ वी आर टॉकिंग, वी विल मूव टू द हीट पंप। हीट पंप और रेफ्रिजरेटर सिमिलर काइंड ऑफ, सारे का प्रिंसिपल सिमिलर है। हीट पंप का क्या काम होता है, जो ज़्यादा टेम्परेचर पे है ना उसको और ज़्यादा टेम्परेचर पे रखना, मतलब जो ये इसका भी यही काम है कि कम टेम्परेचर से लेकर और ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट को फेंकना। बट हम हीट पंप से चाहत क्या है हमारी, चाहत है हमारी कि हमारा ज़्यादा टेम्परेचर पे मेंटेन रहे सरफेस। ये हमारा हीट पंप है, सपोज दिस इज योर हीट पंप। प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है दोनों का, हीट इनपुट आप यहाँ पे भी डब्ल्यू इनपुट दे रहे हो, हीट यहाँ से निकल रहा है और हीट तुम्हें मिल रहा है ज़्यादा टेम्परेचर पे। तो तुम्हें इस हीट से मतलब है, बेटा हीट पंप में तुमने जो हीट छोड़ा है ना, वो हीट तुम्हारा काम का है, क्योंकि हीट पंप का काम ही है हीट सप्लाई करना। तो सप्लाई कौन कर रहा है, हीट यही तो सप्लाई हो रहा है, और इसी से तुम्हारा चाहत है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा हीट सप्लाई करना चाहते हो। सो दिस इज योर चाहत, यानी आउटपुट आपकी क्या है, Q1। सो आपको सीओपी ऑफ हीट पंप, अगर मैं बोलूँ सीओपी ऑफ हीट पंप, दैट विल बी इक्वल टू Q1 अपॉन W इनपुट। नाउ Q1 अपॉन W इनपुट, तो कल जैसे हम लोग अभी किए थे, ऐसे लिख सकते हो आप Q1 इक्वल टू W इनपुट माइनस में Q2। सो W इनपुट का दैट इज प्लस, सो W इनपुट इक्वल टू हो सकता है Q1 माइनस Q2, यहाँ पे पुट कर दो, यू विल गेट योर सीओपी ऑफ हीट पंप दैट विल बी इक्वल टू Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। नाउ देखो रेफ्रिजरेटर में यहाँ पे क्या आ रहा था, जरा देखो तो रेफ्रिजरेटर में यहाँ पे आप देखो Q2 आ रहा था, बट यहाँ पे Q1 आ रहा है, क्योंकि हीट पंप में जो हमारा डिजायर है वो अलग हो चुका है। रेफ्रिजरेटर में डिजायर इस पे फोकस था कि जो स्पेस ठंडा है उसी को और ठंडा करे, आपका हीट पंप में जो डिजायर है वो कुछ और है, वो बोल रहा है कि हीट ज़्यादा दे। कहाँ दे हीट ज़्यादा, जो पहले से ज़्यादा टेम्परेचर पे है उसी को हीट ज़्यादा दे। ठंडी के मौसम में क्या करते हैं हम लोग, हीट पंप का यूज़ करते हैं ठंडी के मौसम में। बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है, आपके घर का टेम्परेचर नॉर्मल रहना चाहिए, तो आप क्या करोगे, बाहर से हीट खींचोगे और घर में हीट लाओगे। तो बाहर का टेम्परेचर कम है, आप वहाँ से हीट खींच के अपने घर में ला रहे हो, तो आपको मतलब किससे है, घर वाले हीट से मतलब है कि बाहर से जो ला रहे हो उससे मतलब है, घर वाले हीट से मतलब है। तो घर वाले हीट से जो मतलब है अगर, तो आपका डिजायर तो यही है ना कि घर में हीट आए, चाहे जहाँ से ला रहा हो घर में हीट आए। तो दिस इज द डिजायर, सो दैट्स वाई वी आर टेकिंग दिस Q1 हियर, नॉट Q2। और रेफ्रिजरेटर में डिजायर ये था, अभी डिजायर ये है, तो चेंज हो चुका है फॉर्मूला। जैसे उधर किया था, आप रिवर्सिबल हीट पंप अगर आपको बोल दिया जाए, रिवर्सिबल हीट पंप है, तो आप ऐसे लिख सकते हो T1 माइनस T2, ऐसे भी लिख सकते हो आप, अगर इसकी इन दोनों के टेम्परेचर T1 T2 है। ये जो फॉर्मूला है लास्ट वाला जो लिखा है, दैट इज फॉर रिवर्सिबल ओनली, रिवर्सिबल हीट पंप ओनली। और इस फॉर्मूले में भी वही चेतावनी वही है कि आपका केल्विन स्केल में होना चाहिए टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होगा वो केल्विन स्केल में रखोगे आंसर सही आएगा, अदरवाइज गलत आ जाएगा। तो चाहे वो क्वेश्चन में डिग्री सेंटीग्रेड में लिखा हो, तो उसको आप पहले केल्विन में बदलिए। कैसे बदलोगे, 273 जोड़ देना, मान लो 25 डिग्री दिया हुआ है टेम्परेचर सेल्सियस में, तो केल्विन में क्या आएगा, 273 जोड़ देना, 298 डिग्री केल्विन आ जाएगा आपका। सो दिस इज द हीट पंप। नाउ एक छोटा सा रिलेशन होता है, उसको भी देख लो, ये भी पिछले साल जो भी पेपर हुआ था बीपीएससी का 2017 में, उसमें पूछा गया था कि हीट पंप और रेफ्रिजरेटर का जो सीओपी होता है उसमें क्या रिलेशन होता है। तो देखो तो दोनों को थोड़ा माइनस करो, तो सीओपी ऑफ हीट पंप माइनस करो तो 1 क्या आता है, देखते हैं माइनस करके ऐसे ही क्या आता है। देखो सीओपी ऑफ हीट पंप क्या था, Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2, और माइनस 1 ऐसे ही मन से कर लिया, देखते हैं क्या आता है। देखो तो क्या आ रहा है, देखो माइनस करोगे तो Q1 माइनस Q2 एलसीएम ले लो, यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2, सो दैट विल बी इक्वल्स टू Q1, ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस Q1 प्लस Q2 अपॉन में Q1 माइनस Q2। नाउ ये कैंसिल होके क्या बचेगा आपका, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2। ये क्या वही, क्या ये वही है, कौन, ये तो रेफ्रिजरेटर का सीओपी होता था, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर तो यही होता था ना बेटा। तो इसका मतलब कि सीओपी ऑफ हीट पंप से मैं माइनस 1 कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो, नोट में डाल के लिख सकते हो अपने कॉपी में,
कि सीओपी ऑफ हीट पंप माइनस वन इक्वल्स टू रेफ्रिजरेटर, या ये भी ऐसे भी लिख सकते हो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस वन। ये माइनस को मैं इधर भेज दिया, प्लस वन कर दिया, मतलब आपका जो हीट पंप होगा ना उसकी सीओपी हमेशा ज़्यादा रहेगी टेम्परेचर इसकी रेफ्रिजरेटर की सीओपी से। कब? जब दोनों का दोनों सेम हीट ले रहा होगा, क्यू वन क्यू टू सब में सेम हो। या आप यूँ कह सकते हो कि अगर रिवर्सिबल टाइप का है तो दोनों सेम सोर्स और सिंक टेम्परेचर में अगर जुड़ा हुआ है तो हमारा जो सीओपी ऑफ हीट पंप होगा वो ज़्यादा होगा किससे? सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर से। तो मेरे ख्याल से आपको ये सब बातें समझ में आ रही होंगी। जब भी टेम्परेचर आप बेटा यहाँ पे एफिशिएंसी निकालने में या सीओपी निकालने में लेना तो आपको केल्विन स्केल में लेना है, और इसको गलती नहीं करना। बच्चे पेपर में गलती कर देते हैं, आपको नहीं करना है। मेरे ख्याल से आप ये सब कुछ समझ रहे होगे, और इन सबको कॉपी में भी नोट करते जाइए। कॉपी में नोट करोगे तभी फायदा होगा, अदरवाइज लेक्चर फिर से सुन के फिर से निकाल दोगे। तो कॉपी में लिख के अपने से नोट्स बना लो छोटा सा, क्वेश्चंस खूब सारे करो किसी भी बुक से। गुप्ता एंड गुप्ता की बुक है, आर एस कुर्मी की बुक है, इन दोनों बुक से आप क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर किसी के पास नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके वो जो टेलीग्राम ग्रुप है ना अपना गेट मटेरियल वाला, उस पे मैं आर एस कुर्मी का जो मैकेनिकल वाला पोर्शन है उसका थ्योरी और वो आपको भेज दूँ। क्योंकि आपके पास आर एस कुर्मी की मे भी बुक होगी कैसी, सिविल वाली होगी, मैकेनिकल का तो उसमें होगा नहीं, तो मैकेनिकल वाला मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स वाला भेज दूंगा पार्ट। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गेट मटेरियल ग्रुप का नाम है, उसको आप ऐड कर सकते हो अगर आपको मर्जी है तो। चलिए, थैंक यू सो मच, ओके बाय।